एवरीवन, दिस इज़ नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से जो टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट है और एप्लीकेशन फॉर्म आपके कल से शुरू हो चुके हैं और फुल डिटेल मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखा दूंगी ताकि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। कोशिश करूंगी कि आपके सारी चीज़ों को सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये देख ही सकते हैं आप। ये जो वैकेंसी है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से आई है, ठीक है। और अब मैं आपको सारा कुछ दिखा देती हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटीज फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है। ये आप ये वाला जो है नोटिफिकेशन, इसे डाउनलोड करना। और बाकी मैं नोटिफिकेशन आपका पूरा दिखा देती हूँ। ये जो वैकेंसी हैं ये हरियाणा की तरफ से निकली हैं और गेस्ट टीचर की वैकेंसी हैं और जिनके फॉर्म अब आपके कल से शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट डेट भी मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख ही सकते हैं। तो ये हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है, ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है, पहले सबसे पहले आप जान लीजिए जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। 17/5/2022 को 10 बजे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डलना शुरू हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपकी कौन सी है, 3/6/2022, यानी कि 3 जून तक ये जो पोर्टल है ये ओपन रहेगा। और यहीं पर अगर बात करें क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट फीस की डिपॉजिट डेट जो रहेगी आपकी 6 जून 2022 तक 4 बजे तक रहेगी, ठीक है। तो अपना इन डेट्स का ध्यान रखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये इस पोर्टल पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कीजिएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेकेंट पोस्ट ऑफ द TGT ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट मेवात एंड पलवल और मेवात में ये आई हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए जिन जिन की वैकेंसीज़ हैं, जैसा कि टीजीटी सोशल साइंस की है, संस्कृत की है, SST की है, उर्दू की है, साइंस की है, मैथ्स की है, ऑलमोस्ट हिंदी की है, इंग्लिश की है, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स की हैं वैकेंसीज़, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ दे रखा है TGT इंग्लिश SST दो हैं, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ये गेस्ट टीचर की वैकेंसी हैं लेकिन इनमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेकेंट पोस्ट ऑफ TGT एक्सपेक्ट डिस्ट्रिक्ट नू एंड पलवल, ठीक है। तो ये आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए, आपका ग्रेजुएशन प्लस आपके सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट या फिर आपका HTET, दोनों में से कोई भी क्वालिफाइड होगा वो चल जाएगा, ठीक है। और एक बार एज रिलैक्सेशन 5% का एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी वाइज SC और PWD वालों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 40% या 50 के अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास BEd होना चाहिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर HTET हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। जितने भी बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो 6 to 8 क्लासेस के लिए मतलब वेकेंट किए जाएंगे, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख ही चुके हैं। और बाकी साइंस और मैथ्स के लिए ये देख लीजिए, साइंस और मैथ्स के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है और उर्दू के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो दे रखी है। अब हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन द फाइनल सिलेक्शन विल बी द मेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया गिविन बिलो सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इसके बिहाफ पे होगा, ठीक है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम वगैरह तो कंडक्ट करा नहीं रहे, तो आपके एकेडमिक लेवल्स में उसके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि 10th को आपके जो 10th है आपकी, उसके लिए 10 मार्क्स आपके 12th को, ग्रेजुएशन को 10 मार्क्स, BEd को 10 मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन को 5 मार्क्स, MPhil को 2 मार्क्स, PhD को
3 मार्क्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका टोटल नंबर ऑफ 50 है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे कई बच्चे बीए बीकॉम कर लेते हैं, बीए बीएड कर लेते हैं, तो उनके लिए जो कंसीडर किया जाएगा वो 20 मार्क्स किया जाएगा। मतलब उनका जो बीए है और बीएड दोनों को ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे एमएससी बीएससी और बीएड कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से तो उन्हें 20 मार्क्स उन्हें दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ ये 1 साल के लिए है, लेकिन इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगले साल। तो अगर आप एलिजिबल हैं और चाहते हैं और सरकमस्टेंसेस भी ऐसे हैं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, लेकिन अगर कुछ रह गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।